पापा का बिजनेस और खुलवाना बहुत जल्दी, लेकिन पापा राजी नहीं हो रहे हैं बिजनेस खोलने के लिए। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दी है और आज के दिन की फिर से शुरुआत जैसी भी है वैसी कर दी है। और सुबह ही सुबह हमने जब ज्यादा कप कभी बन रही थी तब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, कुरान पढ़ लिया, इबादत कर ली, सब कुछ कर लिया। अब बचा है काम करना। तो मम्मा उठकर यहाँ पर अपने काम में लग गई है, झाड़ू वगैरह, और आज लगाने वाली है ये प्रेस, और मैं सीधे निकलने वाला हूँ ऊपर काम करने के लिए। भाई साहब, सबसे पहले फिलहाल हमारा आया है पार्सल और हमने पता नहीं क्या ऑर्डर किया है, मुझे ध्यान नहीं है कि क्या है या फिर कंपनी की तरफ से है, तो फिर चेक करते हैं। कॉल आई है फिलहाल। मामा जान, पार्सल आया है कोई सा, ये नहीं पता क्या आया है, मैंने मंगाया है कंपनी से आया है, लेकिन कॉल आई है, आ रहे हैं गली में। स्पॉन्सर का तो नहीं है? पता नहीं है कि मैंने ऑर्डर किया है, मैंने कुछ ऑर्डर तो की थी एक दो चीजें। अच्छा, हो सकता वही आ रही है, पता नहीं है, पता नहीं है, ध्यान भूल गया, मैंने कुछ किया था। बहुत बुरा हाल कर दूंगी, डिश्कियां और किसकियां कर दूंगी। चलो भाई साहब, लो भाई साहब, ये मम्मा का सामान है कुछ। तो आज ही तो कह रहा था पैक हुई है, तो आज ही सामान आ गया। बड़ी फास्ट डिलीवरी हुई इसकी, ऐसे कैसे की, यही तो कहीं नहीं है। चलो, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब, अभी फिलहाल हम निकलने वाले हैं नाना के घर की तरफ, क्योंकि मम्मा ने सोच लिया कि थोड़ी देर के लिए जाएंगी नाना को देखने के लिए, काफी टाइम से गई नहीं है। और अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ, मैं अपनी थोड़ी सी हालत सुधार लेता हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए, अपने पहनने के लिए, तब मैं जाऊँगा नाना के घर पर। कपड़े नहीं है इसलिए लेने जा रहे हैं, चल चल जल्दी लेकर। अरे ले आने दो, ले आने दो, बस हुडी लेकर आऊंगा जो की मैंने देखी थी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझको एक हुडी, उसका कलर बहुत पसंद आ रहा था मुझको, और उसमें शायद मैं अच्छा भी लग सकता हूँ, है ना। तो मैं ले आ रहा हूँ, ऐसा जगह नहीं है रखने को, इतना छोटा सा घर, घर पहले बड़ा ले ले। नहीं, पहले कपड़े ले लो, गाड़ी ले लो, फिर घर ले लेंगे बड़ा, ठीक है। जा रहा हूँ मैं, अब निकलता है अपन। और ये मैं आ गया हूँ फाइनली यहाँ पर कपड़े लेने के लिए, और यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह की मैं जैकेट लेकर आया हूँ, लेने हुडी गया था, हुडी मुझे असली में पसंद नहीं आई, फोटो में ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन इसको उठा लाया, ये काफी कमाल का लग रहा है पीस। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली ठंड में काफी टाइम से ऐसे ही बैठे टोपा लगाकर कुछ, तो फिर मैंने मन कर रहा था कि थोड़ा सा तैयारी हो जाते हैं, हालांकि कहीं जाना नहीं है, बस नाना के घर तक जाना है, लेकिन फिर भी मन हो रहा था तैयार होने का। तो अब बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, और हमारी ये न्यूली न्यूली जैकेट। बाकी अब फिलहाल हम निकलते हैं नाना के घर के लिए, तो चलिए। ये देख सकते हैं, ये कलाकार लोग हमको फिर से मिल चुके हैं, और अपनी कलाकारियों में ये मशरूफ है, कंटिन्यू इनके काम चल रहे हैं। चलो तो भाई साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए थे, अभी निकलकर हम थोड़ा सा घूमने और जाएंगे, मम्मा को घर ले चलते हैं। ये लो भाई साहब, मम्मा को छोड़ दे रहे हैं घर पर पहले। हम क्या जा रहे हैं? क्या मम्मा? ज्यादा देर को नहीं जाना। ना 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 पाओ। तो भाई साहब, मम्मा को सही सलामत छोड़ दिया है घर पर, और अब मैं थोड़ा सा निकल जाता हूँ, मैं काफी टाइम से निकल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा रोड वोड पर घुमाते हैं और कुछ ले आते, मूंगफली लेकर आएंगे, वरना सर्दी निकली जा रही है, खा नहीं पा रहा। ज्यादा ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं है जूते को, चलो। यही तो मजा है। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। चलो चलो, हाँ जी जी, अरे बिल्कुल, अभी ऐसे देखो आ गया वापस। जब ठंड होती है तो ये टोपा नहीं लगाते, और जब धूप निकलती है तो टोपा लगाते, और इससे ज्यादा मोटी जैकेट पहन के आते हैं। काम करो तो उल्टे, ताकि कुछ मजा आए जिंदगी जीने का। बाकी फिलहाल यहाँ पर बहुत भरक है, मजा ही आ गया। हाँ, तो भाई साहब खाने पीने के बाद पैक भी करा लिया है, और इसमें डाल देते हैं ताकि ये गर्म बना रहे घर तक। मूंगफली दिलाना पड़ेगी, और हाँ, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, और इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे वाह, अब देखा चले। कहाँ गए सब? वो कोई है ही नहीं, और इधर ये हैं तो बोल नहीं है कुछ। लो भाई साहब, बहुत सारा सामान ले आओ, एकदम खुशी खुशी खाना। तो मम्मा पढ़ी है नमाज, बिना कोई डिस्टर्ब किए सीधे बैठ जाते हैं, जूते फूते उतार के। फाइनली मम्मा की नमाज कंप्लीट हो चुकी है, अब मम्मा से मम्मा देखेंगी क्या क्या सामान ले आया हूँ। ये वाला चश्मा लगाए मम्मा को कुछ है? क्यों, क्या वो टूट जाएगा, चलो हटो। इतनी चालू मम्मा, चालू जी लगता।
पैसे बढ़ाना चालू बन हो गया है। फिर चश्मा तोड़ के ले आओगे, फिर चश्मा चाहिए, चश्मा चाहिए। चलो सामान लेकर आओ, मस्त मस्त खोलो ना। क्या लिया है? और अंडे का ऑमलेट और वो भी खा लूंगा मैं, वो भी खा लूंगा। वो बाद में नहीं, सबसे बाद में पहले जी खा लो। क्या लिया है तो फिर? ये जरूरत क्या है? अभी दो दिन सही लग रहा था, बाहर नहीं जा रहा था तो अपने घर का तो खाना खा रहे थे कम से कम। इन लोगों के चक्कर में बाहर गया था मैं। किन लोगों के? इन लोगों के। तो उन्हें क्या खाने को मिल जाता है? तो बाहर जाओ तो फिर कुछ लेकर ना आओ घर पे, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता है। उनको क्या खाने को मिल जाता है? नहीं तो इन लोगों के चक्कर में बाहर निकला तो लेकर आया फिर मैं। सर्दी में दब दब के बैठो, खर्चा इन लोगों ने कराया। बंटी मामा कह रहे थे कि देखो बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं खुद नहीं निकलता हूँ, ऐसे भी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अब पापा को अपने दबा कर रखो, दबे लेते बेचारे, क्या कोई राय देने की जरूरत ही नहीं है। मैं बाहर कम निकलता हूँ ऐसे भी, और पापा दबे लेटे रहते हैं। खूब संभाल के लेट डालती है, लेट जाए यहाँ आजाद। अब पापा का बिजनेस और खुलवाना बहुत जल्दी है। लेकिन पापा राजी नहीं हो रहे हैं बिजनेस खोलने के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि पिछला वाला बेचारे डुबा के बैठे पड़े इस चक्कर में, लुटिया डुबा के बैठे हुए। लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं कि फिर से एक दोबारा से बिजनेस लेकर आया जाए, जो पापा का पहले था वही वाली सोच रहे हैं अभी हम फिलहाल। हमारा पहले पापा का बिजनेस क्या था? जो बाहर टाइल्स वगैरह लगी हुई है ना, इसीलिए हमारे घर रंग बिरंगी लगी हुई है। ये पापा का काम था पहले, टाइल्स और टॉयलेट वगैरह जो लगती है ना सीट, मतलब टॉयलेट नहीं था, मतलब सीट जो लगती है आपकी टॉयलेट में, वो पत्थर ये सारी चीजें मिला करती थी, पाइप सिंक वॉश बेसिन और सिंक का काम करते हैं, हमारे घर सिंक ही नहीं। तो ये सारी चीजें बिका करती थी हमारे पापा की दुकान पे। खराब वाला है वो, उस टाइम पे मतलब जब व्लॉग बना रहे होते तो बहुत ही दुकान का फोटो वगैरह कुछ भी नहीं है ना, दुकान का फोटो है ना वीडियो है पापा नहीं है तो कुछ दिखा भी नहीं सकते। हम भी किसी टाइम पर बिजनेस मैन हुआ करते थे, तगड़े बिजनेस मैन। इनसे छीन लिया गया इनका बिजनेस, इनसे दुकान छीन ली, इनके एक दोस्त ने दुकान छीन ली। और क्या विचार होगी, और क्या बोलते हैं। हाँ सबसे बड़ी बात, वो पहले जो जालियां वगैरह लगा करती थी सीमेंट की, वो पाइप, वो नंबर वन पे अपने ही पापा काम था और कोई नहीं था ना उस टाइम पर। हाँ तो जब हम शायद बहुत छोटे थे उस टाइम पर ये वाला काम था, और हमारे होने से पहले भी बहुत अच्छा काम था, जब यहाँ पर वो वाला काम था ही नहीं, सिर्फ हमारे पापा और बड़े पापा का था वो काम। हमारे घर पे ही तो लगी थी उस टाइम पर भी, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं पहले बहुत अमीर थे, उसके बाद लुटिया डूब गई, गरीब हो गए, अब फिर से अमीर हो गए। तो हमारा अप्स एंड डाउन आया है ना, वक्त है कभी। और जब गरीब हुए तो लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, हालांकि हम जितने हमारे लोग हैं उनसे सही थे कंडीशन में। हाँ। लेकिन जब फिर हमारी लुटिया डूबी तो फिर सब लोग छोड़ के चले गए। अब तो मैं लुटिया बहुत ऊपर लेने जाने वाला हूँ। अब मत ले लेना पंगा। अब नहीं डूबने देगा नहीं, आमीन। यही प्लानिंग वगैरह चल रही है, ब्लॉगर उनसे उधार ले लेके चले जाते थे लोग, उधार दे दे। अब की बार अगर खुलवाया, अगर किसी को उधार दे दिया तो समझ लेना मैं खुद ही बैठूंगी तुम्हारे पास। तुम बैठना क्या, एक एक पैसे का हिसाब ले लूंगी। अब की बार अगर उधार दे दिया तो समझ लेना इस बार इंशाल्लाह। मतलब देखो पहली दुकान अगर डल गई अल्लाह ने चाही तो फिर उसके बाद मैं और भी बिजनेस करूंगा इंशाल्लाह, जब पैसे कमाऊंगा। पैसे इस बार बढ़ाना है, इस बार घटाना नहीं है मेरे बच्चे, अल्लाह ताला कामयाबी दे। और आप भी लोग जितने लोग व्लॉग देखते हो वो दुआ करा करो हमारे लिए, ताकि हम सक्सेसफुल हो जाए हर काम में, इस काम में भी और साइड में भी। डाल देते हैं दुआ, कितनी आती है दुआएं आती है, ओके कम है उन लोगों का शुक्रिया। ऐसे ही करते रहे। तो चलिए अब हम खा लेते हैं, बाद में बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो फिर क्या करूंगी ऑमलेट बनाकर? नहीं बनाना पड़ेगा, चलो पहले हाँ पहले खा लो, फिर उसके बाद भूख लगी काम करने के बाद तो बना लेना। ठीक है भाई साहब, तो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं, सारा कुछ लग चुका है, लाल टपक रही है। चलो चलो आपके भी डालो सॉस, डाल दो निकल के, और सारी चीजों का लुत्फ उठाकर फिर सोचेंगे कि आप लोगों के कमेंट पढ़ देंगे। बिल्कुल पढ़ देंगे। तो ठीक है भाई साहब, सारी प्लेट जो है हमने सफा चट कर दी है, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं आप लोगों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है कुलसुम का, कह रही है माशाल्लाह भाई बहुत पैसा छाप रहे हो,
ऐसे ही कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाओ इंशाल्लाह। आमीन। प्रिया आपका भाई। फिर अगला कमेंट है शिवानी सिंह का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही है कि स्टूडियो बहुत ही सुंदर है आपका, और हाँ देखिए आपके सब्सक्राइबर एक कोलकाता से ऐड हो गए हैं, आगे और भी होंगे, गुड लक, टेक केयर। ओ, ओ, तो भाई शुक्रिया आपका। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगला कमेंट जिग्गू ब्लॉग का पाकिस्तान से, कह रही है माशाल्लाह हम तो अपने बच्चों को अब आपकी मिसाल देते हैं कि देखो ये बच्चा कितनी मेहनत करता है अपने माँ बाप को खुश रखने के लिए, दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। हमने भी घर में से एक सब्सक्राइबर मतलब करवा लिया आपके चैनल का, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। और हम बार बार कहते हैं सबके बच्चे ऐसे ही हों। कमेंट पढ़ के काफी अच्छा लगा हमको, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भाई। फिर अगला कमेंट है गुलफशा जावेद का, जो कि कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर अगला कमेंट है इमरान सैफी का, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रहे हैं आज तो पनीर बना डाला। तो मम्मा ने ऐसा मुझको मारा कि पनीर ही बन गया। राहत मियां का कमेंट है नाइस ब्लॉग, शुक्रिया आपका भाई। तो इतने ही कमेंट थे आज के ब्लॉग पर, आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक करें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।